टू ट्रेसिलास किचन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है। अभी मैं छत से जस्ट आई हूँ, 8:30 का टाइम है अभी सुबह का। तो फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं सोची आज व्लॉग बनाती हूँ, तो चलिए फ्रेंड्स अभी व्लॉग स्टार्ट करते। तो मैं अभी पानी नहीं पी हूँ, अभी पानी पिएगी, उसके बाद हम लोग का डेली रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या बनाती हूँ, क्या क्या आप लोग से बात हो जाते हैं, देखती हूँ फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी पहला मैं पानी गर्म होने के लिए रख देगी। चिया सीड अभी तक नहीं लाई हूँ फ्रेंड्स, नहीं तो मैं सुबह एम्प्टी स्टमक चिया सीड पीने के लिए स्टार्ट की थी ना, वो दो हफ्ता तो पिए रहेगी, बहुत ही अच्छा लगा था फ्रेंड्स। बीच में मैं गई थी भी लाने के लिए पतंजलि, तभी नहीं मिला था, उसके बाद तो नहीं जा पाई मैं। तो देखती हूँ अभी बीच में कभी टाइम मिलेगा तो जाके लेके आती हूँ, क्योंकि हम लोग का बाजू में किधर भी दुकान में नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, पतंजलि जाना पड़ता है। मिक्स में ग्रेन्स डाली हूँ, इसमें आपका मसूर भी है, मूंग भी है और राजमा भी है, सब मैं मिक्स करके डाली हूँ फ्रेंड्स। कल मैं बनाएगी मिक्स दाल बनाएगी, इसके लिए स्प्राउट आ रहा है। आज बादाम भी नहीं भिगोई हूँ फ्रेंड्स, कभी कभार याद रहते फ्रेंड्स, कभी कभार याद नहीं रहते, कभी कभार मेरे हस्बैंड को याद रहता तो वो भिगो देते, काम से रात को आते तो देख लेते, कभी उनको याद आएगा तो वो भिगो देते फ्रेंड्स। आज याद नहीं था तो मैं भिगाए नहीं, तो अभी पानी भी पी लिया फ्रेंड्स। आप ज़रूर सुबह उठ के 5 बादाम खाने के लिए कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, रात को ही भिगो दीजिए और सुबह 5 बादाम ज़रूर खाने के लिए कोशिश कीजिए। अभी मैं मिक्स वेजिटेबल करी बनाने के लिए, क्या था मेरे पास वेजिटेबल्स वो कट कर रही थी, उसमें था काकड़ी, पोटैटो था और कैरेट था, उतना ही था फ्रेंड्स, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो वही मैं कट करके, काकड़ी बहुत ही अच्छा लगता है दाल में डाल के बनाते हैं ना फ्रेंड्स, सांभर टाइप, बहुत ही अच्छा लगता है। तो सिंपल तरीके से बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था, तो वही मैं बना रही हूँ। और चिकन सुखा बना रही हूँ फ्रेंड्स, वही मैं दाल वगैरह बॉयल होने के लिए रखी थी, मैं मूँग दाल के साथ आज बना रही हूँ। पानी भी आप अच्छे से बैठ के सिप सिप करके पानी पीना है, कड़े कड़े पानी नहीं पीना है फ्रेंड्स। ये सब छोटी छोटी आदत है ना, आपको चेंज करना है अपना वेट लॉस जर्नी में। मैं भी पहला ठंडा पानी पीती थी, फ्रिज का पानी वगैरह पीती थी, वो सब मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं पीती हूँ फ्रिज का पानी अभी। कितना भी गर्मी होने दो फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल वाटर ही पीती हूँ, नहीं तो मेरे पास पहला मिट्टी का मड़का था, उसमें भर के रखती थी, वो मैं उसमें का मैं पीती थी। अभी तो ख़राब हो गया तो फेंक दिया मैंने। देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ इडली बना रही हूँ फ्रेंड्स। कल ये मैं ना एक्चुअली मैं डोसा के लिए डाली थी, वो बैटर बना रही थी तो मेरा मिक्सर जार ना ख़राब हो गए, तो रवा उतना ही पिस पाई हूँ फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छे से नाइस नहीं पिस पाई, तो मैं डोसा नहीं बना सकती हूँ वो बैटर से, तो मैंने इडली डाल दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर मैं सांभर भी बना दिया सिंपल तरीके से, इसमें कुछ भी सांभर मसाला बाहर का नहीं यूज़ की हूँ, घर का ही धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर यही यूज़ की हूँ। उसके बाद थोड़ा सा गुड़ भी डाली थी, इमली का रस भी, और तड़का देने के टाइम राय के साथ साथ आप थोड़ा सा मेथी दाना भी डाल देना है और हींग भी, तो एकदम आपको सांभर का ही फ्लेवर आ जाता है फ्रेंड्स। सांभर मसाला बाहर का डालने का ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही भी सांभर मसाला बना के भी रख सकते हो। तो उसके बाद मैं अभी इधर चिकन सुखा बना रही हूँ। चिकन भी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई हूँ फ्रेंड्स, चिकन पहले से मैंने सब मसाला में मैरिनेट करके रखी थी, अदरक लहसुन हरी मिर्ची भी कूट के मैं उसमें डाली थी, बनाने के टाइम ऑयल डाली थी, उसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल दिया था और ये पूरा मैरिनेट करके रखी थी ना वो चिकन, उसमें डाल के अच्छे से मैंने फ्राई करके लिया, उसके बाद पकने के लिए छोड़ दिया फ्रेंड्स। देखिए इधर मैं अभी इडली भी तैयार हुआ तो इडली भी निकाल रही थी। कल एक कमेंट्स आया था फ्रेंड्स, अपना स्किन लूज़ हुआ था क्या, आप इतना वेट लूज़ किया, तो फ्रेंड्स स्किन तो लूज़ नहीं हुआ था मेरा, बट फेस तो बहुत डल हुआ था, क्योंकि सोचिए 80 किलो से 25 किलो वेट लूज़ हुआ, मीन्स थोड़ी बहुत तो अपना फेस डल होता है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं बोलती हूँ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये सब अच्छे से खाइए। हो गया फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत काम हो गया, मीन्स अभी चावल ही बनाना है, बाकी सब हो गया, इडली भी बना दिया, सांभर बना दिया, चिकन सुखा बना के रख दिया, अभी थोड़ा सलाद बाद में वो दोपहर को खाना खाने के टाइम, तो अभी चावल बनाना है क्योंकि आज हस्बैंड डायरेक्ट लंच करके जाएंगे, मीन्स ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, 12 बजे ऐसे डायरेक्ट लंच करेंगे, तो इसके लिए चावल बना देगी अभी। अभी मैं पहला ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद चावल बनाती हूँ फ्रेंड्स। चलिए अभी थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ कपड़ा, फेस वगैरह सब अच्छे से वॉश करके आ जाती हूँ, अभी इतना देर किचन में खड़ी थी ना, पूरा पसीना आ गया,
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग को। वही मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, स्किन तो नहीं लूज़ हुआ था मेरा, वेट लॉस हुआ था तभी, बट फेस तो बहुत डल हुआ था और डार्क सर्कल भी हो गया था उसी टाइम पे, मेरा तबीयत भी बिगड़ गया था ना उसके वजह से, तो बहुत ज़्यादा ही मेरा फेस डल हुआ था। उसके बाद मैं अच्छे से खाने पीने लगी ना, थोड़ा फ्रूट्स खाने में, इसे ड्राई फ्रूट्स खाने में, ये सब में मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो फेस में ग्लो आना स्टार्ट हो गया। फ्रेंड्स आप भी ऐसे कीजिए, स्किन लूज होते ये डर रहेगा तो आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो ग्लो नहीं जाना चाहिए तो आप फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल जूस ये सब पीजिए फ्रेंड्स। हो जाएगा तो आप सीड्स वगैरह खाने के लिए कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, पम्पकिन सीड, वाटरमेलन सीड, ये सब सीड्स मिलते हैं ना, मैं कभी नहीं खाई हूँ, मैं ओनली चिया सीड लेती हूँ फ्रेंड्स। अनहेल्दी खाने के लिए हम लोग कितना पैसा वेस्ट करते हैं, वही पैसे से ये सब लेके आके हम लोग फ्रूट्स, सीड्स ये सब खा सकते हो और अपना ग्लो भी नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ब्रेकफास्ट दिखा रही थी, दो इडली सांभर के साथ खाई थी, उसके साथ में कॉफ़ी भी पी थी फ्रेंड्स। बाद में आप भी दो इडली खाना है वेट लूज जर्नी में रहेगा तो, नहीं हो पाता तो तीन खाना है, तीन से ज़्यादा नहीं खाना है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ। वीडियो का लास्ट पार्ट तो मैं कल ही आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ, इसके लिए मैं अभी एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो अभी मैं 15 मिनट का एक्सरसाइज भी किया, 8:15 से 8:30 तक मैंने एक्सरसाइज किया, वो मैं रूटीन इसमें नहीं दिखाई हूँ क्योंकि कल तो मैं दिखा चुकी हूँ, तो अभी फिर से क्यों दिखाऊँ, इसके लिए मैं नहीं दिखाई फ्रेंड्स, वीडियो शूट नहीं किया। तो उसके बाद मैं वॉइस ओवर देने के लिए आई थी, देखिएगा तो वीडियो का लास्ट पार्ट नहीं है क्योंकि अभी आप लोग से डायरेक्ट बात करके अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नया आया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।